हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि सो कल है जन्माष्टमी इसलिए आज का वीडियो जन्माष्टमी स्पेशल है यानी कि जो भी महिलाएं है, प्रेग्नेंट हैं या फिर जिन्होंने अभी बेबी डिलीवर किया है उनका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है उन तो, दो, दोनों ही कैटेगरीज की जो न्यू मॉम्स हैं उनके लिए आज का वीडियो है आज मैं सारे या डूज़ एंड डोंट्स शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से जन्माष्टमी का फास्ट रख सकते हैं और सेलिब्रेशन करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सो विदाउट मच डू लेट्स गेट स्टार्टेड तो दोस्तों जब आप प्रेग्नेंट हैं तभी भी आपके पास एक छोटा अनबॉर्न बेबी है जो आपके टमी में है और अगर आपने डिलीवर कर दिया है तभी भी आपके पास एक नन्ही सी जान है जिसका आपको ख्याल रखना है और जो टोटली आप पर डिपेंडेंट है तो अगर आपने डिलीवरी कर ली है या फिर आप प्रेग्नेंट हैं आपके पास एक ऐसा बच्चा या एक ऐसा इंसान है जो आप पे टोटली डिपेंडेंट है फॉर हिज फूड या पानी जो भी है तो इसीलिए आपको ख्याल रखना है कि आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि आपको अगर हार्म होता है तो ठीक है लेकिन बच्चे को हार्म नहीं पहुँचना चाहिए तो इस चीज़ का ख्याल कौन रखेगा आप रखेंगे तो व्रत करना है फास्ट करना है सेलिब्रेशन करना है डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं बट कुछ चीज़, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए तो अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर आपने डिलीवरी कर दिया है उसके बाद आपको कोई नॉर्मल मतलब सब कुछ चल रहा है कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है किसी तरीके की कोई स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं है जिसके लिए कि डॉक्टर ने आपको बोला हो तो डेफिनेटली आप फास्ट भी रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा टफ फास्ट नहीं होता जन्माष्टमी का आप सब कुछ खा पी करके रह सकते हैं डेफिनेटली तो आपको थोड़ा सा ओपन माइंड रहना पड़ेगा जैसे व्रत तो आपने रख लिया लेकिन आपको मेक मेकश्योर sure करना पड़ेगा कि आप टाइम टू टाइम सब चीज़ें जो व्रत की होती हैं वो आप खाइए फ्रूट्स खाइए पानी पीजिए जो भी व्रत में खाया जाता है वो आप खाते रहिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास खाने की फ्रीडम होती है बट हम स्किप कर देते हैं कि चलो ठीक है एक दो मील्स ली और हो गया बट जब आप प्रेग्नेट है या आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज पर हैं तो आपको भूख भी लगती है और आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आप बिना खाए ना रहें क्योंकि आप जो चीज़ें खाते हैं वही बच्चे को मिलता है और बच्चे का एक रूटीन होता है जो जैसे भी आप डेली खाते हैं या पानी वगैरह पीते हैं जो भी तो बच्चे का भी एक रूटीन बना रहता है तो अगर आप वो रूटीन ब्रेक करते हैं खाना नहीं खाते हैं टाइम से या भरपेट खाना नहीं खाते हैं तो फिर बच्चे को जो चाहिए होता है वो उसको नहीं मिलता है तो वो उसको अफेक्ट करता है इसीलिए व्रत रह रहे हैं तो व्रत वाला खाना ही सही लेकिन आप खाते रहिए जो भी साबुदाना है या फिर आलू वगैरह है या जो भी आपके यहाँ रेसिपीज़ बनती हैं जन्माष्टमी में तो बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपी बनती है तो वो चीज़ें आप मेक श्योर करो कि आप अच्छे से खाओ फ्रूट्स का इनटेक बहुत ज़्यादा करते रहो और स्पेशली जो वाटर वाला खीरा है या फिर जो भी बनाना है एप्पल है इस टाइप के जो भी फ्रूट्स इस सीज़न में मिल रहे हैं उनको आप कंज्यूम करते रहो और पानी नींबू पानी शिकंजी ये सब बना करके पीते रहो ताकि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो दूसरी चीज़ कि अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रही है जैसे इनिशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आपने व्रत रखा और आपको बीच में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है डिजीनेस हो रहा है या फिर आपको स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो बिल्कुल फील फ्री टू ब्रेक द फास्ट आप तुरंत अपना जो फास्ट है उसको ब्रेक कीजिए जो आप डेली खाते हैं वो सब कुछ खा लीजिए और इसमें गिल्ट की कोई बात नहीं है क्योंकि हम भगवान के लिए व्रत कर रहे हैं और छोटा बच्चा भी भगवान का ही स्वरूप होता है तो इसलिए बिल्कुल भी गिल्ट लेने की कोई नहीं है जितना हो पाए उतना आप करो बेसिकली आपकी श्रद्धा आपका जो फीलिंग है जो भावना है वो मैटर करती है ना कि खाना कुछ छोड़ना उतना मैटर नहीं करता है तो इसीलिए अगर कोई प्रॉब्लम बीच में होती है तो आप बीच में भी फास्ट तोड़ सकते हो आप चाहो तो कोई स्पेसिफिक चीज़ छोड़ करके भी फास्ट कर सकते हो कि आज मैं सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगी या फिर आज मैं सिर्फ़ ये पर्टिकुलर चीज़ जो मेरी फेवरेट है वो मैं नहीं खाऊंगी बाकी चीज़ें खाऊंगी इस तरीके से भी व्रत किया जाता है तो आप ऐसा कुछ करो कि आपका व्रत भी हो जाए और आपके बेबी को कोई हार्म ना हो आपकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो कि उस दिन तो आपने व्रत कर लिया अगले दिन आपको कुछ प्रॉब्लम्स होने लग गई डिहाइड्रेशन वगैरह अगर होता है तो अगले दिन फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो सब चीज़ों का आप ध्यान रखो कि ना हो नेक्स्ट आप अपना जो एक्टिविटी लेवल है उसको थोड़ा मॉडरेट कर लो क्योंकि आप प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे हो उस तरीके से तो इसलिए आ, आप मेक श्योर करो कि बाहर वगैरह जैसे हम बाहर जाते हैं वॉक वगैरह करने बाहर जाते हैं तो उन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर लो इंडोर पे ही रहो घर पे ही रहो रेस्ट प्रॉपर करो जिससे कि आपको डिजीनेस वगैरह का कुछ प्रॉब्लम अगर होता भी है तो आप अपने घर पर हो सेफ हो बाहर जाते हैं बाहर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आपको वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इसलिए बेटर है कि घर में रहो ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो रेस्ट प्रॉपर लेते रहो व्रत कर रहे हो पूजा वैसे भी घर में पूजा होता है तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है थोड़ा अलग अलग तरीके का काम होता है डेली के डेली से हटकर, तो इसलिए वो भी आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर रेस्ट भी करो रेस्ट करना बहुत जरूरी है ताकि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम थकान डिजीनेस या नॉज वॉमिटिंग इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको ना हो और आपका दिन अच्छे से जो त्यौहार है उसका सेलिब्रेशन उसका मज़ा बना रहे तो रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है और वही पानी भी आप पीते रहो काम में ऐसा ना हो कि आप पानी पीना भूल जाओ या कुछ खाना भूल जाओ उस चीज़ का आप ध्यान रखो काम भी मॉडरेट अमाउंट में करो बहुत ज़्यादा जैसे आप प्रेगनेंसी के पहले या बेबी डिलीवर करने के पहले रहते थे आप ऐसा अभी आप उतना एक्सपेक्ट मत करो अपने आप से आ, सिर्फ जितना जैसे मैं अपना सेलिब्रेशन करती तो थी मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती थी बट जब मैं प्रेगनेंट थी और जब मेरा बेबी डिलीवर हुआ तो ये दो साल जो थे तो मैंने बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में काम किया था और सब चीज़ें बस इतनी की थी कि काम भी हो जाए पूजा का जो है बेसिक वो भी मैं कर लूँ और मुझे बहुत ज़्यादा किसी तरीके की कि सफरिंग ना हो तो ये आ, मैं आपको वही बोल रही हूँ कि काम में अपने आप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कोई चीज़ भूलो मत बच्चे को अगर आप फीड कराते हो तो उसको भी प्रॉपरली आपको फ़ीड कराना है और उसको फीड कराते तो आपको भी प्रॉपर अपना फीडिंग कह सकते हैं आपको अपना भी खाना उसके बाद खाना होगा तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है भूलो नहीं गलती नहीं होनी चाहिए नारियल पानी स्पेशली मैं बोलूँगी कि रख लेना है तो नारियल पानी पीने से काफ़ी एनर्जी भी मिल जाती है ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और हाइड्रेशन भी मेंटेन रहता है और उसके अलावा आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि आप ना करें तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहली चीज कि बहुत ज्यादा ऑयली फूड वगैरह आप कंज्यूम ना करें जैसे कि वो वड़े वगैरह बनते हैं तो वो बहुत ज्यादा अगर आप ऑयली खाते हैं तो आपको वो अंदर से मतलब स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है तो हार्ट बर्न वगैरह हो सकता है एसिडिटी इस तरीके के कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं तो इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली फूड अवॉइड कीजिए स्टीम्ड या बॉयल्ड या हल्का फ़्राई फूड आप खा सकते हो डीप फ्राइड फूड अवॉइड करें दूसरी चीज़ की शुगर वाली जो चीज़ें ना वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना करें थोड़ा बहुत लें जैसे आप रेगुलर जितना लेते हैं बट बहुत ज़्यादा शुगर फूड पर हम जब स्विच करते हैं तो उससे कहता है शुरू में तो हमको बड़ा अच्छा लगता है बट ग्रेजुअली जैसे जैसे दिन बढ़ता है आगे तो हमारे शुगर लेवल जो है वो बढ़ता है उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिजीनेस या वॉमिटिंग इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है बर्न हार्ट बर्न वगैरह भी हो सकता है तो इसीलिए शुगर फूड से आप थोड़ा सा उसको मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम कीजिए एकदम बंद मत कीजिए बट थोड़ा बहुत लीजिए ज़्यादा मत लीजिए तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए और बहुत ज़्यादा गैप मत रखिए अपने मील्स में जैसे आपको भूख लगती है स्पेशली जब आप फीड कराते हो बेबी को तो फीड कराने के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो उस टाइम पर आप रेडी रखो कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा खाना है हेल्दी फूड खाना है जिसमें फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हो कोकोनट वाटर ले सकते हो क्योंकि गैस फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए गैस फॉर्मेशन होती है तो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है आपको स्टमक पे पेन हो सकता है हार्ट बर्न हो सकता है एसिडिटी हो सकती है या फिर वो पूरा डिजीनेस और बहुत कुछ पेट खराब तो सब कुछ ख़राब वाला स्थिति होती है तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए गैस फॉर्मेशन नहीं होने देना है तो आप ये सारी चीज़ें मतलब ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा गैप ना हो बहुत ज़्यादा भूखे या बहुत ज़्यादा देर तक प्यासे आप ना रहें तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एंड उसके अलावा जब आप फास्ट तोड़ते हो स्पेशली तब वो बहुत ज़्यादा पॉइंट रहता है क्योंकि दिन भर आप भूखे रहते हो और एकदम से जब आप खाने लगते हो तो फिर आपको आपके, आपके सराउंडिंग में लोग आपको बोल सकते हैं कि दिन भर से भूखे थे तो चलो अब बहुत ज़्यादा प्लेट भर के खाना खा लो तो आप ऐसा मत करना जब आप फास्ट ब्रेक करो तो लाइट फूड से स्टार्ट करो और थोड़ा थोड़ा खाते खाते आप ग्रेजुअली अपनी डाइट जो है वो बढ़ाओ एकदम से बहुत ज़्यादा खाना खाने से भी आपके स्टमक पर सडन बहुत लोड आता है क्योंकि व्रत का जो खाना होता है वो ईजी टू डाइजेस्ट होता है लाइट फूड होता है जहाँ मतलब नॉर्मली आपने जो खाया होगा बट uh, जब आप अपने रेगुलर खाने पे आते हो तो वो स्टमक पे थोड़ा सा हैवी पड़ता है तो वो लोड नहीं आना चाहिए नहीं तो फिर वही अगेन आपका स्टमक ख़राब होगा और फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो इसीलिए जब आप अपना फास्ट तोड़ो तो थोड़ा सा नींबू पानी या कोकोनट वाटर या इस तरीके का लाइट फ्रूट वगैरह या खिचड़ी वगैरह इस तरीके का कुछ खा करके व्रत तोड़ना है एंड सेलिब्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा कोई भी ऐसा काम जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है वो अवॉइड करना हर बार का सेलिब्रेशन और इस बार के सेलिब्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि आपका एनर्जी लेवल आपको अपने ऊपर ज़्यादा लगाना है ना कि आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है आपको प्रॉब्लम मतलब थकना नहीं है अपनी बॉडी को अननेसेसरी का पेन नहीं देना है तो इसीलिए ध्यान ये रखना है कि मॉडरेट अमाउंट में थोड़ी थोड़ी पूजा भी हो जाए थोड़ा सा व्रत भी हो जाए थोड़ा सा मस्ती सेलिब्रेशन भी हो जाए सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा कर लो जिससे कि आपको अच्छा भी लगे सेलिब्रेट करके और आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा एग्जर्शन ना आए तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको किसी भी तरीके की आपकी प्रेगनेंसी या पोस्टमार्टम पीरियड में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है पहले तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लो कि आप व्रत कर सकते हो या आप एक्जर्शन uh, वगैरह ले सकते हो पूजा का सेलिब्रेशन का जो भी है आप कितना बेयर कर सकते हो वो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो अगर आपको पहले से ही कोई प्रॉब्लम है तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ठीक है आप तैयार मतलब जो भी तैयारियां हैं वो करो और अगर बीच में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने आप को इतना फ्री रखो कि आप वापस से बैक हो जाओ अपने व्रत को तोड़ दो और कोई गिल्ट मत लो व्रत रखना ही सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है मेन है कि आप हेल्दी हैं तो भगवान भी आप पे खुश हैं और आपके पास अभी तो भगवान का स्वरूप ही है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम अभी आपके पास जो है वो है उस बच्चे का ख्याल रखना और अपना ख्याल रखना ताकि आप उसका ख्याल आगे रख पाओ सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कोई क्वेश्चन हो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ख्याल एंड हैप्पी 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 जन्माष्टमी एंड गुड लक बाय बाय